ये टीसी केमिकल पीलिंग का एप्लीकेशन है जो कि मैंने अपने दोनों चिक्स के ऊपर किया है, और ये जो एप्लीकेशन है टीसी क्रॉस का एप्लीकेशन है, यानी कि मेरे यहाँ पर कुछ स्कार्स थे, कुछ गड्ढे थे जो कि थोड़े थोड़े गैप के अंदर थे, ये जो टीसी क्रॉस का एप्लीकेशन है मैंने वहाँ पर किया। जैसे कि अगर आप लोगों ने मेरे पहले की बहुत सारी वीडियोज देखी होंगी तो मेरे स्कार्स इस तरह के थे, यानी कि मेरे चिक्स पे ज्यादा से ज्यादा स्कार्स थे, एक्ने मेरे पूरे फेस के ऊपर थे लेकिन मेरे चिक्स के ऊपर ज्यादा, मतलब इस जगह पे पर्टिकुलर ज्यादा लोगों के इसी एरिया में बहुत ज्यादा स्कार्स होते हैं या फॉरहेड के इस वाले एरिया में बहुत ज्यादा स्कार्स होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके नोज पे भी स्कार्स होते हैं, तो मेरे जो ज्यादा स्कार्स थे वो इस एरिया में थे और यहाँ पर मुझे बैक टू बैक एक्ने आने की वजह से मुझे यहाँ पर भी स्कार्स हुए थे। मैंने जो अपना ट्रीटमेंट डन किया है वो माइक्रो नीडलिंग को लेकर ही किया है, लेकिन मैंने अपने स्कार्स लगभग पूरी तरीके से रिमूव होने के बाद अपना एक एक्सपीरियंस लेने के लिए मैंने टीसीए एप्लीकेशन किया था, जिसकी मैंने 3 सिटिंग सेल्फ डन की थी, बहुत अच्छे से डन की थी, और उसकी बहुत सारे वीडियोज़ मेरे चैनल के ऊपर भी अपलोड हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो। तो यहाँ पर आज मैं लेकर आई हूँ एक वीडियो जिसमें आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो सके कि टीसीए पीलिंग क्या है और टीसीए क्रॉस क्या है। एक्चुअल में बहुत सारे लोग हैं इंस्टाग्राम पे जिनको यही नहीं पता है कि टीसीए क्रॉस में कितना परसेंट यूज़ करना है, टीसीए पीलिंग में कितना परसेंट यूज़ करना है, इनके एप्लीकेशन सेम है कि नहीं है, इनका प्रिकॉशन सेम है कि नहीं है, या किस तरीके से कहाँ से ले कैसे ले। तो इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों के डिफरेंस अलग अलग तरीके से बताऊंगी कि आपको कैसे पता लग सकता है कि आपके फेस के ऊपर टीसीए पीलिंग करना चाहिए, टीसीए क्रॉस करना चाहिए, किसके रिजल्ट्स आपके फेस के ऊपर निकल कर आएंगे, या कौन सा आपकी स्किन के लिए बिल्कुल नहीं बना, आपकी स्किन किस हद तक या कितने रिकवर हो सकती है। तो फर्स्ट तो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ कुछ पिक्चर शेयर कर रही हूँ। ये पिक्चर है मेरी टीसीए पीलिंग के सिटिंग्स की, जिसमें मैंने ये टीसी केमिकल पीलिंग की थी। ये जो केमिकल है ये 25% टीसी केमिकल मैंने अपने फेस के ऊपर अप्लाई किया था, जिसकी सिटिंग मैंने डन की थी आज से आई थिंक 2 साल पहले, जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था तब मैंने ये केमिकल पीलिंग अपने फेस के ऊपर की थी। तो फर्स्ट सिटिंग, थर्ड, ये जो 3 सिटिंग्स मैंने ली ये पूरे एक महीने के गैप में ली, यानी कि टीसी क्रॉस और टीसी केमिकल पीलिंग का जो एप्लीकेशन होता है एटलीस्ट 1 मंथ उसको चाहिए होता है रिपीट करने के लिए या दोबारा अप्लाई करने के लिए। उसके बाद जब मेरा ये डन हो गया तो फिर मैंने 1 सिटिंग ली थी टीसी क्रॉस की। आई थिंक ये मैंने सिर्फ एक ही सिटिंग ली थी, तो मेरे यहाँ पर 4-5 स्कार मुझे इस एरिया में थे, 4-5 स्कार मुझे इस एरिया में थे, तो उसके बाद फिर मैंने ये टीसी क्रॉस अप्लाई किया था। तो यहाँ पर जो इन दोनों का एप्लीकेशन है वो बिल्कुल अलग अलग है। उससे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि टीसी क्रॉस और टीसी पीलिंग है क्या। टीसी क्रॉस और टीसी पीलिंग का जो एसिड है वो एक ही एसिड है, यानी कि ट्राइक्लोरिक एसिड। लेकिन टीसी पीलिंग, अगर आपके इतने बड़े एरिए में स्कार्स हैं आपके फेस के ऊपर अगर उम्र के धब्बे यानी कि एज के स्पॉट्स हैं बहुत ज़्यादा, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा लूज हो चुकी है, मतलब बहुत ज़्यादा रिंकल्स हैं आपकी स्किन के अंदर, बहुत ज़्यादा फाइन लाइन्स हैं, तो ये आपकी एज को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकता है, यानी कि टाइट कर सकता है। साथ में अगर आपके सीवियर लेवल का पिगमेंटेशन है तो उसमें भी इसको किया जा सकता है। ये कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पर आपको टीसीए पीलिंग यूज़ किया जा सकता है। सेकेंड जो चीज़ है टीसीए क्रॉस, ये आपको यूज़ आता है आपके स्कार्स के लिए, यानी कि टीसीए पीलिंग भी स्कार्स के लिए होता है, टीसीए क्रॉस भी स्कार्स के लिए होता है, लेकिन इनका एप्लीकेशन और डिफरेंस ये है कि टीसीए क्रॉस एट्रोफिक स्कार्स के ऊपर होता है। एट्रोफिक स्कार्स के अंदर आता है आइस पिक स्कार्स आता है, बॉक्सिंग स्कार्स आता है, रूलर स्कार्स आता है। ये जो स्कार्स है बहुत सारे लोगों को इसका नॉलेज होगा, नहीं है तो आप ये पिक्चर देखकर आइडिया लगा सकते हो कि किस टाइप के होते हैं। ये तीनों स्कार्स के पिक्चर हैं, ये आपको बताएंगे कि आपके स्कार्स किस टाइप है। इस पिक्चर को देखकर आप अपने स्कार्स का आइडिया लगा सकते हो। तो यहाँ पर एक स्कार्स होता है आइस पिक स्कार्स, जो कि इस तरह के होते हैं, यानी कि यूं होते हैं, उनमें तीखापन नुकीले होते हैं, कोना निकला हुआ होता है, तो यहाँ पर टीसीए क्रॉस किया जाता है। जब बहुत बार ये जो बॉक्सर स्कार्स होते हैं और ये आइस पिक स्कार्स होते हैं, स्पेशली आइस पिक स्कार्स में टीसीए क्रॉस के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जब डर्मेटोलॉजिस्ट कोई ट्रीटमेंट हमें प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि सब सीजन्स होते हैं हमारे, जिसमें लेज़र होता है, माइक्रो नीडलिंग होता है, या और भी बहुत सारे हैं, फिलर्स चलते हैं, तो इसके बीच एक और ट्रीटमेंट किया जाता है जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, दे सकता है आइस पिक स्कार्स के ऊपर। अब मैं बात करती हूँ पहले तो कि टीसीए केमिकल पीलिंग में क्या हम कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते। टीसीए केमिकल जो पीलिंग होता है ये यूज़ किया जाता है 15%, 20%, 25% और बॉडी के लिए 30-35% तक। ये जो केमिकल पीलिंग है इसका एप्लीकेशन करने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया लिया जा सकता है, यानी कि इतना बड़ा एरिया या इतना बड़ा एरिया जहाँ पर भी आपको पर्टिकुलर स्कार्स है वो एरिया लिया जाता है। उससे पहले आपको एक बाउल के अंदर टीसीए केमिकल पीलिंग लेना होता है एक कॉटन की हेल्प से। अगर आप ब्रश की हेल्प से करोगे तो वो लीक करेगा, नीचे की तरफ जाएगा,
तो एक कोटा हाथ में ग्लव्स पहन के अच्छे से कोटा उस पर डिप करके उसको प्रेस करके और आप इस तरीके से स्प्रेड करते हुए जहां जहां आपको वो केमिकल है आप उसको अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद वेट करना होता है कितनी देर का, एटलीस्ट आप लोग वेट करो 5 सेकंड 10 सेकंड, बहुत बार कहते हैं 2 मिनट 3 मिनट, मुझे नहीं लगता, मैं तो इतना टाइम कभी नहीं रखती थी। जैसे आपको व्हाइट फ्रॉस्टिंग होना शुरू होता है उसके साथ आपको न्यूट्रलाइजर प्रोवाइड करवाया होता है, वो न्यूट्रलाइजर आपको अपने एरिया पे लगाना होता है। लगाने के बाद 1 मिनट वेट करो, वेट करने के बाद जाके ठंडे पानी से फेस को वॉश करो, फिर मॉइस्चराइजर अप्लाई करो। इसकी आफ्टर केयर मैं टीसी क्रॉस के साथ ही बताऊंगी क्योंकि दोनों की आफ्टर केयर बिफोर केयर दोनों सेम है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टीसी क्रॉस की। ये जो होता है 50% होता है, 70% होता है, 80% होता है, 100% होता है। बहुत बार 50% को टीसी केमिकल पीलिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन अलग होती हैं। टीसी का जो 70-80% होता है वो बेस्ट है टीसी क्रॉस करने के लिए। जब भी इसका एप्लीकेशन होता है तो टूथपिक की हेल्प से किया जाता है, ये आप कॉटन की हेल्प से नहीं कर सकते हो। वही ग्लव्स पहन के आपको अपने स्कार्स को इस तरीके से स्ट्रेच करना होता है ताकि आप उसके सिर्फ सरफेस पर टूथपिक लगा सको, पूरे जो उसका कॉर्नर होता है उसको कभी भी कवर नहीं करना होता, उसको नहीं तोड़ना होता, सिर्फ स्कार्स का जो सरफेस है सिर्फ उस एरिया में आपको टूथपिक लगानी होती है ताकि आपका जो स्कार्स है वो हीलिंग कर सके। टीसीए क्रॉस क्या है? टीसीए क्रॉस है ये जो क्रॉस है CROSS, यानी कि केमिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ स्किन स्कार्स। ये आपका जो स्किन के ऊपर जब आप लोग ये केमिकल अप्लाई करते हो तो ये जो आपका स्कार्स है उसको दोबारा से रीजनरेट करता है, यानी कि आपके अंदर कॉलेजन इम्प्रूव होता है ताकि स्कार्स हीलिंग होने लगता है, भरने लगता है, यानी कि स्किन ऊपर की तरफ निकल कर आती है तो आपका जो गड्ढा है वो भरने लगता है, कम दिखने लगता है। आइस पिक स्कार्स के लिए एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ टीसी केमिकल पीलिंग, टीसी क्रॉस जैसा जो एप्लीकेशन है वो आप लोग घर में बिल्कुल भी ट्राई मत करो क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल है, इतना नहीं है इजी। अगर आपको पूरा नॉलेज है तो ही आप अपनी जिम्मेदारी के ऊपर, किसी यूट्यूबर की किसी डॉक्टर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। अगर नहीं आता तो किसी अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट से भी आप ये करवा सकते हैं, मतलब वहाँ जाकर आप ये ट्रीटमेंट डन कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। आपको इसके बाद अपने फेस को चार कुछ चीज़ें हैं जिनको बिल्कुल उसकी तरीके से आपको केयर करना है अपनी स्किन का, जैसे कि आपने अभी पैनी से फेस को वॉश करा उसके 24 आवर्स बाद, या जिस नाइट में आप कर रहे हो तो अगले दिन में ही आप लोग अपने फेस को दोबारा से वॉश करो, या तो किसी माइल्ड फेस वॉश से वॉश करो जैसे कि डव सोप कर सकते हो, अगर आप लोग फेस वॉश अफोर्ड नहीं कर सकते तो पियर्स यूज़ कर सकते हो, या फिर आप लोग सिर्फ सेटाफिल से यूज़ कर सकते हो जो फेस वॉश है इसका। अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग कोई गलती से भी उसको स्क्रैच ना कर दें तो आप लोग ऐसा कर सकते हो कि आप अपने फेस को प्लेन पानी से वॉश करो जब तक आपका ये जो स्क्रैच है खुद से रिमूव ना हो जाए। इस स्क्रैच को अगर आप लोग खुद से रिमूव करते हो तो यहाँ पर एक डार्क पिगमेंटेशन रह सकता है जिसको जाने में बहुत बार बहुत टाइम लग सकता है, बहुत बार शायद ये फिक्स भी हो सकता है। तो प्लीज़ अपनी स्किन को इस पिगमेंटेशन से बचाने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है स्किन के ऊपर, ध्यान रखना है कि ये जो चेहरे पर स्क्रैच है ये खुद से रिमूव हो। डेली मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन अप्लाई करना है, 3 से 4 बार मॉइस्चराइजर इसलिए अप्लाई करना है कि आपको इस जगह को बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देना है। ड्राई होगा फिर रिमूव होगा तो पिगमेंटेशन रह सकता है, लेकिन अगर मॉइस्चर होकर रिमूव होगा तो पिगमेंटेशन नहीं होगा। फ्रोस्टिंग नेक्स्ट डे नॉर्मल होकर स्किन रेड हो जाएगी, फिर डार्क ब्लैक हो जाएगी, फिर जो बहुत ड्राई हो जाएगी बहुत ज़्यादा फिक्स हो जाएगी, तो उसके बाद वो खुद से धीरे 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 करके रिमूव हो जाता है। आपको लग रहा है एक्स्ट्रा पील रिमूव हो रहा है तो आप सीधे से उस बड़ी पील को काट सकते हैं, लेकिन इस तरीके से खींच के उसको पूरे को नहीं हटाना, ये गलत है, आपकी स्किन के लिए गलत है, तो वो चीज़ नहीं करनी होती है। EHA BHA रेटिनॉइड जैसा कुछ भी यूज़ नहीं करना है। जब ये रिमूव हो जाएगा 10 डेज़ बाद 7 डेज़ बाद तो आप आपका जो भी विटामिन सी है, रेटिनॉइड्स है, ग्लाइको जो भी आप यूज़ करते हो वो अपने रूटीन में आप लोग ला सकते हैं। मेकअप कर सकते हैं 48 आवर्स बाद 3 दिन बाद, लेकिन मुझे लगता है कि आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि जब आप उस स्क्रैच के ऊपर मेकअप करोगे तो उसके बाद जब आप उस मेकअप को हटाओगे तो कहीं ना कहीं स्क्रैच के हटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जो कि शायद आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो इस चीज़ का भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। धूप से अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा बचा के रखना है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखना है ताकि धूप में आपकी स्किन किसी भी तरीके से डैमेज ना हो, ख़राब ना हो, उसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो और पिगमेंटेशन ना आए। स्किन की केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये प्रोसेस करने के बाद। उसके बाद जब आपकी सेटिंग डन होती है तो बहुत हद तक टीसी क्रॉस से आपके स्कार्स 4 से 5 सेटिंग में आप लोग उम्मीद रख सकते हैं कि बहुत हद तक ये रिड्यूस हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, भर सकते हैं। कुछ स्कार्स में टीसी क्रॉस एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, लेकिन घर में तब तक ये सेफ नहीं है जब तक आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। टीसी पीलिंग और टीसी क्रॉस पे ऑलरेडी मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, इनके पूरे पूरे एप्लीकेशन हैं। अगर आप लोग इस वीडियो के बाद उनके पूरे एप्लीकेशन देखना चाहते हो, जैसे कि इस वीडियो के अंदर तो मैंने एप्लीकेशन नहीं किया, तो आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगी, आप लोग वहाँ पर जाकर वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा और आप लोगों को पसंद आया।